गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आज है दिवाली, तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बनाई है मैंने तोरण, और ये अशोक की पत्तियों से बनाई है, और जो उसमें धागा यूज़ किया है वो है मोली, जो हम जनरली पूजा में यूज़ करते हैं। और कुछ मैंने बनाई थी इस टाइप की फूल मालाएं, और आधा पोर्शन फूल का मैंने इसमें बनाया था और आधा बनाया था अशोक की पत्तियों से। ये इस टाइप की वैसे तो बाहर मार्केट में बनी बनाई भी मिल जाती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने घर को अपने हाथों से संवारना। तो मतलब मैं हर साल यही करती हूँ कि फूल और ये पत्ते ले आती हूँ और खुद ही बनाती हूँ अपने अकॉर्डिंग, साइज़ लेके और अपने हिसाब से। तो कुछ मैंने बनाई थी लंबी लंबी सीधी सीधी लीव्स की तोरण, उसमें मैंने क्या किया था, मोली का धागा लेकर सिर्फ पत्ते पर एक एक गांठ लगा दी थी। और उसके लिए स्पेशली ये ध्यान रखना होता है कि भाई मतलब पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो। और अब बना रही हूँ मैं ये पत्तियों को फोल्ड करके, मतलब हाफ पोर्शन मैं बना रही थी फूल का और उतना ही लंबा पोर्शन मैं पत्तियों को ऐसे फोल्ड कर करके और सुई के धागे में से पिरो रही थी। तो ये बनाया था मैंने सीढ़ियों के लिए, और वो बनाया था मैंने मेन गेट और बाहर जो लेंटर है उसकी चौखट के लिए, मीन्स जहाँ जहाँ से एंट्री है घर में, तो उन दोनों जगह के लिए मैंने वो लंबी पत्तियाँ बनाई थी। और इसके लिए बनाए थे मैंने फूल मालाएँ, और इन्हें बनाते बनाते काफ़ी देर मुझे हो चुकी थी, लगभग 6:30 का टाइम हो चुका था और ये मेरा बेटा भी उठ चुका था। तो मेरे बच्चे जो भी मुझे करते हुए देखते हैं तो उनको ये होता है कि हम भी करेंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें अपने साथ लगा के उनको भी सिखाऊं, ताकि जो भी काम मैं करती हूँ वो सारे मेरे बच्चों को आ जाएं और वो भी आगे चलकर वही सभी ट्रेंड फॉलो करें जो मैं करती हूँ। तो अब ये लगभग मेरी कंप्लीट होने वाली थी, तो इसको मैं स्टेयर्स पर लगाने वाली हूँ। और जो लंबी लीव्स वाली तोरण मैंने बनाई थी उसका मैंने साइज़ लेके बनाया था, मीन्स मेन गेट का साइज़ मैंने ले लिया था धागा नाप के, और ये है बाहर के लिए। तो इस ये बहुत ही शुभ होती है, मतलब घर में इस टाइप की चीज़ें लगाने से मतलब कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारी घर आती है। और ये जो भी मैं मार्केट से लेके आई थी वो मैंने लगा दिया है, ये कल ही मैंने लगा दिया था, तो ये है अभी तक का लुक। और अभी मैं कर रही हूँ स्टेयर्स की ग्रिल को साफ़, क्योंकि मुझे यहीं पर लगानी है वो मालाएं। तो ये इस टाइप से मैंने इसके अंदर से घुमा ली थी, लास्ट ईयर मैंने टेप वेप से लगाई थी, तो फिर वो बाद में ना टेप मतलब जहाँ चिपकते हैं वहाँ मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो इसलिए अभी मैंने धागे से वैसे ही बांध दिया था। और ये मैंने एक नीचे की साइड लगाई थी, एक मैंने लगाई थी ऊपर की साइड, और यहाँ से यहाँ मैं इसको बांधूंगी, और वहाँ मेरा हाथ नहीं गया था तो इसलिए मैंने हस्बैंड की हेल्प ली उसके लिए। तो ये जो मैंने लटकन मार्केट से ला के लगाई थी उन्हीं के साथ मैंने इसको बांध दिया था कि ज़्यादा कील भी ना लगानी पड़े और ये पूरा मेन गेट कवर भी कर ले, दोनों मतलब पर्पस मेरे इससे सॉल्व हो गए थे। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा शुभ माना जाता है, पंडित जी भी पूजा वूजा जब भी करते हैं तो स्पेशली मंगाते हैं अशोक की पत्तियाँ या फिर आम वगैरह की पत्तियाँ लकड़ियाँ मंगाते हैं। तो अब ये लगा रहे हैं हस्बैंड बाहर लेंटर में, दरवाजा है वहाँ पे। और अब बारी आ गई है कर्टेंस की, कर्टेंस रात को ही हमने प्रेस वेस करके रख लिए थे, तो ये भी हस्बैंड ने लगाए थे, काफ़ी ऊपर है तो मेरा हाथ नहीं जाता वहाँ पे, उतारने और लगाने का काम इन्हीं का है, धोने का काम प्रेस करने का काम मेरा है, तो ये बटे हुए हैं हमारे काम। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको दिया पूजा के लिए जो मैंने रेडी किया है, ये मैंने पेंट कर लिया था इसको पहले ही। तो अब हम बनाएंगे लक्ष्मी माता जी के पैर, और मैंने सिंदूर सही से बनाया था और टूथपिक यूज़ की थी इसके लिए मैंने। तो ये इस टाइप से मैं हर साल बनाती हूँ लक्ष्मी माता जी के पैर, और पहले मैं राइट पैर बनाती हूँ उसके बाद बनाती हूँ मैं लेफ्ट। पिछड़ो 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 बेटी, कैमरा हिल जाएगा। ये क्या है? ये पैर है भगवान जी के। और मेरे पैर बना दो। आपके ही तो हैं ये, वो लड़के हैं। कौन कब
सुना दो। ठीक, एक उनर का एक कवर का, ठीक है? ठीक है। ओके ओके, आपका बस। ओ ओ, बिच्छो जाओ उनर, बिच्छो जाओ भाई, चाब बिच्छो जाओ। गंदी बात नहीं, बस छोड़ो, बन गया वो है? बन गया, रोतक बनाएंगे अब। पीछे हो जा बेटी, मुझे भी है। पीछे हो ना, गेटा मुझे पहले पीछे हो। ओ भाई, पीछे हो जा एक बार, मुझे डाल दे सकता है। जाओ ना, पापा को डाल देंगे, भाग के जा। टावल दे दे हुनर पापा को, पापा इंतजार कर रहे। काशी में आए, ये पापा लेके आए थे, पापा लेके आए थे ये। क्या कर रहे हो ये? चलो बेटा, बंजी के कहिए, मेरे को बता दे उनर क्या आई है भैया जी। और अब मैं बना रही हूँ मेन गेट के बाहर, जस्ट बाहर दहलीज जिसे बोलते हैं, वहां पर भी मैं लक्ष्मी माता के पैर बनाती हूँ। दोनों जगह जहाँ हम पूजा करते हैं वहां भी बनाती हूँ, और मेन गेट पर भी। मतलब ऐसा माना जाता है, सुनने में आता है ऐसा कि भाई लक्ष्मी माता जी दिवाली वाले दिन सबके घरों में आती हैं, और जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है वहां पर वो फिर प्रवेश करती हैं। तो अब हम कर रहे हैं पूजा। और ये हुनर सबसे पहले माला वाला पहन के बैठ गई थी, और भगवान जी के साइड में ही बैठ गई थी, तो साथ साथ में इसके भी पूजा कर दी, और बहुत खुश भी हो रही थी। अब शुरू हो चुकी है हमारी आरती, और ये मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, तो इसकी जो हमारी आरती थी उसकी आवाज़ तो क्लियर आई भी नहीं थी, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है उसकी भी। तो पहले हमने की थी गणेश जी की आरती, उसके बाद सरस्वती माँ की आरती, उसके बाद लक्ष्मी माता जी की आरती, और लास्ट में हमने की थी ओम जय जगदीश हरे, और तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था, और ये पूरा भक्ति में लीन होके ताली बजा बजा के आरती कर रहे थे, और मतलब बहुत अच्छा लगा पूजा करके। और मतलब बच्चों को तो जो हम सिखाएंगे बच्चे वही करते हैं। तो पूजा हो चुकी है कम्प्लीट, और अब देखिए आप लोग मेरी ड्रेस। ये है मेरा लहंगा, गोल्डन कलर का लहंगा था ये, प्लेन मैंने रेडीमेड इसका ब्लाउज लिया था रेड कलर का, और ये जो दुपट्टा है ये है बनारसी, और चूड़ियाँ थी मेरी प्लेन थी, बीच में मैंने बड़ा सा गोल्डन कलर का कड़ा लगा लिया था, और आगे पीछे रेड कलर के छोटे छोटे कड़े थे। तो ये था मेरा ऑल ओवर लुक दिवाली का, और ये मैंने ख़रीदा नहीं है, इसको मिक्स एंड मैच करके पहना है इसे। अब चलिए चलते हैं रोहतक, और गाड़ी में हम पहुंच चुके हैं अब, और बस जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ये हुनर मैडम बाहर के नज़ारे देखते हुए, और हम पहुंच चुके हैं घर, ये ससुराल है मेरी रोहतक मीन्स। तो अभी हम बाहर खड़े थे, अभी चलेंगे अंदर, और ससुराल में रहती हूँ मैं कुछ इस तरह, मीन्स सिर पे पल्लू रख के प्रॉपर, मतलब बहू के गेटअप में। और ये थी हमारी रोहतक की पूजा, वहाँ पे भी हमने आरती की थी सब इकट्ठे बैठ करके, और ये मंदिर, वहाँ का भी मंदिर जाके मैंने ही सजाया था, वहाँ भी मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए थे, स्वास्तिक बनाया था। और ये है मेरी सासू माँ, हुनर बैठी हुई उनकी गोदी में, और बस अब पटाखे जलाने का टाइम। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, आपकी दिवाली कैसी रही वो भी आप मेरे साथ शेयर करना, और आगे भी वीडियोज़
वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसी बन रही है, ताकि कुछ कमी है तो मैं आगे में सुधार जरूर लाऊं। दूर हो जाएगा।